अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोग कैसे हैं? मस्त एकदम बढ़िया हैं। देखिए गाइस, अब मैं इसमें थोड़ा सा तेल डाली हूँ। टिक्किया जो मैं नहीं बोल रही थी, सुबह को रात में बना रही थी ना, तो मेरा बेसन ख़त्म हो गया था, यही बचा था। ये बेसन है और वो मैदा जो भी क्या हो रहा था, बेसन था मेरा चने वाला, ख़त्म हो गया था। तो मैं बोली कि अब इसको टिकिया बना कर दे दूँ अपने भाई को, खा कर चला जाए। ठर रही है, सिर्फ बात ना ठरा थी कहाँ, फिर जियो ना रही, वही वसिया में रख दिए रहे, वही की वजह से। आलू लगत है ना, ना ये आलू की ना है, ये हमें लगत है गंजी है। हाँ, गंजी उबाल के बनाई थी। गंजी है, सिंघाड़ा है और कुल है। का रे बाबू, आप लोग ऐसे देख सकते हैं मेरी वीडियो में बने रहिए। फ्रेंड, मैं आप लोग से कहना चाहती हूँ कि आप लोग मेरा सपोर्ट करिए, प्यार दीजिए, दुलार करिए। मेरा जो हाश टाइम फ्रेंड बढ़ गया है ना, ठरता है। मैं यही सोचती हूँ कि मेरा जो हाश टाइम फ्रेंड वो बढ़ जाता है तो अच्छा होता ना। मेरा तो आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ा दिए हैं, बहुत बहुत आप लोग का शुक्रिया है कि मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। मैं चाहती हूँ कि और वायरल हो और मैं फेमस हूँ, थोड़ा मैं भी पहुँचूँ, नाम हो कि हाँ फलाने की मिरारू है, फलाने के घर की है। देखें गाइस, देखें ये खा कर चले जाए ना, तो मैं अभी बनाऊंगी सब्जियां, क्योंकि पूरे घर नहीं खा पाएगा ना। मेरी सासू माँ बहुत ज़्यादा बीमार है, वो गई है हॉस्पिटल, इसीलिए मैं अपने घर में हूँ। वो आज आ सकता है, आ जाए, हाँ आ जाएगी इंशाल्लाह। कि हम भी हॉस्पिटल ही में थे, अभी आए हैं, हम भी खाना बनाने के लिए मैं आई हूँ। देख सकते हैं गाइस, एक उतर गई है मेरी टिकिया, अब ये भी उतार रही हूँ। Thank you.
देखिए दो तीन उतर गई है गाइस, जिसको जिसको खाना है तो आ जाइए मेरे घर। मैं सच में मजाक करती हूँ ना, सब लोग समझकर मेरे घर पर आ जाते हैं, मजाक ही मजाक है ना जी। उस दिन मेरे सब्सक्राइबर आए थे 3, बोले कि भाभी जो बिरयानी बनाई थी, गांव ही का था मेरा, कि भाभी बिरयानी जो बनाई आप ने बोली थी कि आ जाना, मैं आ गए हूँ। हंसी हंसी में भी लोग ऐसा नहीं करो गाइस, प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए अपना, हमें जितना है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मुझे फॉलो करिए। तो अभी ये टिकिया बनाने के बाद मैं फिर बर्तन धुलूँगी, झाड़ू लगाऊँगी, मालिश करूँगी अपने बच्चे को। मेरे भी जानती हैं आप लोग, 7 बच्चे हैं ना, कुल बड़े बड़े हो गए हैं, कुछ शादी कर दी हूँ उसकी, कुछ अभी छोटे हैं, एक अभी छोटा है 8 महीने का है, वो बुढ़ौती काम आ रहा है ना जी गाइस। आशीर्वाद सबका, हम ठीका ले लिए हैं ना, कम हो जाए तो सबके घर का एक आई तो झाड़ू है, बर्तन है, टाइम हुआ ना पहुँचते तो चले जाते, बीना भाई तो बोले लगा थे पैसा पूरा लिया, काम लेट करिया जान थी गाइस के मेरे छोटे छोटे लड़का है, ऐसा करना चाहिए इन लोग को। जान थी ना आजकल के डेट में ऐसा है तो सब लोग मिलते जुलते हैं यारो। कल मैं गई थी अपनी नंद के घर, तो मेरी नंद की चचिया सास की बहन थी, तो वो मुझे बोली कि तुम वीडियो बनाती हो, तुम्हारा आदमी नहीं बोलता है। मैं कहूँ कि क्या बोलेगा, नहीं तो सब साथ दिए हमारा, आज मैं अकेले रहती ना बिल्कुल नहीं बना पाती, क्योंकि छुड़ाने लिए मेरे को बहुत ज़्यादा थे हाथ, तो इस समय मेरा हस्बैंड का पूरा हाथ था। क्या है, तो मेरा हस्बैंड जो करेगा तो मैं वही करूँगी, मैं इनकी उनकी सुनूँगी तो भाड़ में जाओ, इससे मतलब है ही नहीं है, किसी को नहीं समझती आज के डेट में, सिर्फ मेरा आदमी जो कुछ है मेरे लिए वही है, उठना बैठना अच्छा पीना खाना सब है वही है, 1 रुपया मेरा घड़ी आए तो कोई नहीं देगा, आदमी ही देगा मेरा। आज देगा तो पलता ना मारेगा, उससे बेहतर अपना काम शुरू करो। आई सरे बिट्टी, क्योंकि मेरे पीछे बहुत लोग पड़े थे, छोड़ दे कमेंट में गाली गुलूज को, तब भी हम लगाओ, 1 दिन कहेगा, 2 दिन कहेगा, 1 महीना कहेगा, खुद खुद पटिया आ जाए, भगावा छोड़ा पानी से कहा मत, तब ऐसा वही कहते आई सरे बेटा बेचारे, देखो अकेले वही रो रहा है, सो कम इधर बैठी खाना बना रही,
आ रही हूँ मुन्ना। आवत हो गए देखो गाइस, हमारी टिकिया सारी हो गई है। ये हो गया है हमारा, चले हम भी जा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी लाइक करिए, फॉलो करिए। थैंक यू।